हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्वाद का खजाना। आज मैं मुंबई का स्पेशल स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव बनाने वाली हूँ। ये टेस्ट में बहुत ही अल्टीमेट होता है और बनाने में बिल्कुल आसान। ये पुलाव स्पेशली बनाया जाता है पाव भाजी मसाला के साथ। अगर आपके चावल रेडी हो तो इसे बनाने में 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की चटाकेदार रेसिपी। तवा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप चावल। ये लॉन्ग ग्रेन चावल है, इसमें आप यही चावल यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ये पुलाव 6 लोगों के लिए बना रही हूँ। अब हम इसमें पानी डालेंगे और फिर चावल को 2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। चावल को 2 बार वॉश करके सारा पानी निकाल दिया है। अब हम उसमें दूसरा पानी डालेंगे और फिर उसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए भिगने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। पानी को मैंने साइड में पहले से ही उबालने के लिए रख दिया था। जब पानी उबलने लगे तब हम उसमें जो चावल भिगा के रखे थे वो डालेंगे। आप चाहे तो ये रेसिपी घर में बचे हुए चावल के साथ भी बना सकते हैं। सारे चावल डालने के बाद उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। उबाल आने तक गैस की फ्लेम हाई ही रखें। उबाल आने के बाद अब गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर लेंगे और फिर उसे 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम चावल को चेक कर लेते हैं। ध्यान रहे हमें चावल को पूरा गलाना नहीं है, तो एक दाना तोड़कर देख लेते हैं। ये टूट रहा है, इसका मतलब कि हमारा चावल रेडी है। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे और फिर चावल को छन्नी में निकाल लेंगे। मैंने सारे चावल को छन्नी में निकाल दिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रखेंगे। ये जो पुलाव है वो स्पेशली तवे पे बनाया जाता है, पर मेरे पास तवा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे कढ़ाई यूज़ करूँगी। आप चाहे तो पैन भी यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई के गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बटर। फिर उसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच तेल, ताकि बटर है वो जल ना जाए। बटर के मेल्ट होने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और जीरा को पकने देंगे। जब जीरा पक जाए तो उसके बाद प्याज डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, उसे डाल देंगे। फिर 1 बारीक कटा हुआ कैप्सिकम लिया है, उसे भी डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आप इसमें अपने चॉइस के वेजिटेबल जैसे कि बीन्स, गाजर और कैबेज भी डाल सकते हैं। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसमें मैंने 3 लाल मिर्च को आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा था। फिर आधे घंटे के बाद वो लाल मिर्च के साथ 8-10 लहसुन की कलियां और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लेके उसकी मिक्सी में पेस्ट बना ली थी। ये करीबन 1.5 बड़ी चम्मच जितनी है, उसे भी डाल देंगे। मिला लेंगे अच्छे से। आप ये पेस्ट ज़रूर डालें क्योंकि इससे ही बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। फिर हम डालेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 4 बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं। तवा पुलाव में टमाटर का यूज़ ज़्यादा होता है। इसे अच्छे से मिला देंगे। इसे बीच बीच में चलाते हुए 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। आप चाहे तो इसे ढक के भी पका सकते हैं। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर है वो गल चुका है। अब बारी आती है मटर की। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप फ्रोज़न मटर लिया है, उसे भी डाल के मिला लेते हैं। फ्रोज़न मटर जल्दी से पक जाता है, इसलिए मैंने इसे बाद में ऐड किया है। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट के बाद अब हम मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1.5 बड़ी चम्मच पाव भाजी मसाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार। ध्यान रहे हमने नमक राइस में भी डाला था। अब सारे मसाले को अच्छे से मिला देंगे। सारे सूखे मसाले को पकाने के लिए इसमें 2-3 चम्मच जितना पानी डाल दें। इससे सारे मसाले है वो अच्छे से पक जाएंगे।
अब हम डालेंगे इसमें उबले हुए आलू। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू का छिलका निकाल के उसे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसे भी मिला देंगे अच्छे से। अब हम इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि मसाले का फ्लेवर सारी सब्जियों में अच्छे से आ जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। अगर आपने सब्जियां बड़ी कट की है तो आप सब्जियों को हल्का सा मैश भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सब्जियां बारीक कट की थी तो इसलिए इसे मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप मैश भी करें तो ज़्यादा मैश ना करें, क्योंकि इसमें बाइट रहेगी तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अब हम उसमें जो चावल पका के रखा था वो ऐड करेंगे। सारा ऐड मत कीजिएगा वरना मिलाने में बहुत ही मुश्किल होगी। शुरू में आधा ही चावल ऐड कीजिए और अच्छी तरह से मिला ले। जब चावल अच्छे से कोट हो जाए तो फिर बाकी के चावल ऐड करके उसे भी अच्छे से मिला ले। चावल को हल्के हाथ से मिलाए ताकि वो टूट ना जाए। आप जो भी कढ़ाई, पैन या तवा यूज करें वो बड़ा ही यूज करें ताकि आप अच्छे से चावल को मिला सके। अब सब अच्छे से मिलाने के बाद इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। 1 मिनट के बाद इसमें डालेंगे 3 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया। मिला दे अच्छे से। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे। फिर डालेंगे इसमें 1 बड़ी चम्मच नींबू का रस। फिर से मिला देंगे। ध्यान रहे हमने 4 टमाटर यूज किए हैं तो नींबू का रस ध्यान से डालें, नहीं तो पुलाव ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। हमारा तवा पुलाव रेडी हो चुका है, तो है ना एकदम इंस्टेंट। अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस में। आप देख सकते हैं चावल एकदम अलग अलग है और दिखने में एकदम कलरफुल। आप तवा पुलाव को सलाद, पापड़ और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ दही रखा है और साथ में प्याज, टमाटर और नींबू को भी रख देते हैं। आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं, क्योंकि 2-3 घंटे के बाद तो इसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाता है। बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है ये, और टेस्ट तो आप घर पे जब ट्राई करेंगे तभी ही आपको पता चलेगा। तो आप ये तवा पुलाव की रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।